अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उज़ैर इब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। रनिंग शूज को जनरली स्पीकिंग तीन कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। नंबर वन इज मोशन कंट्रोल, नंबर सेकंड इज स्टेबलाइजेशन, नंबर थ्री इज न्यूट्रल। इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले, अगर आपने मेरी इससे पहला व्लॉग नहीं देखा जो कि प्रोनेशन और ओवर प्रोनेशन के कॉन्सेप्ट और फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उसको देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपके जहन में एक बेस लाइन कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि व्हाट इज प्रोनेशन एंड व्हाट इज ओवर प्रोनेशन। क्योंकि ये उसके क्योर के अंदर ही आज मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वाजे करूँगा कि कौन कौन सा फुटवेयर है और वो किस तरीके से आपकी कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा कि रनिंग को जनरली ऑल अक्रॉस वर्ल्ड तीन कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है। नंबर वन इज मोशन कंट्रोल, नंबर सेकंड इज स्टेबलाइजेशन एंड नंबर थ्री इज न्यूट्रल। जितने भी ब्रांड्स हैं जो रनिंग शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर फर्स्ट से लेके एंड तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर या तो बहुत एक्सट्रीम में फॉल कर रहे होते हैं या मिक्सचर एक ब्लेंड बना देते हैं उसमें फॉल कर रहे होते हैं, बट इन तीन के अलावा कोई केस नहीं होता जनरली स्पीकिंग। तो आज हम समझेंगे कि इन तीनों को ये नाम क्यों दिया गया और इनको केटर करने के लिए जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने फीट के अंदर, उसके अंदर हम उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे और हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि अगर हम कल को इंटरनेशनल मार्केट से बाय करते हैं या अगर कोई वेबसाइट से हम बाय करते हैं या ऑनलाइन बाय करते हैं, तो वो शू किस कैटेगरी में फॉल करता है और आपके किन प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस कर सकता है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि जैसे कि मैंने पिछली व्लॉग में अपने बताया और समझाने की कोशिश की बहुत सिंप्लीफाइड अल्फाज में, कि प्रोनेशन जो है वो हील स्ट्राइक पॉइंट से लेकर आपके फोर फुट के उठाने तक के मोशन एंगल को बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप रनिंग शू को फर्स्ट कैटेगरी में लेकर आते हैं, दैट इज मोशन कंट्रोल, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी जाती है कि आपका जो फुट है उसकी मोशन को किस तरीके से डिक्टेट किया जा सके। बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, अगर आप इसको टेक्निकली मजीद समझना चाहेंगे तो गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, उसके ऊपर आपको एक टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा आपको नजर आएगा, लेकिन आप उसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि कौन सा जूता किस कैटेगरी में आएगा और किस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आज मेरे पास बहुत सारी मिसालें इस काउंटर के ऊपर रखी हुई हैं, तो मैं आपको बारी बारी तमाम आर्टिकल्स को पकड़कर आपको दिखाऊंगा कि उसके कौन से फैक्टर्स हैं, आप उनको किस तरीके से जज कर सकते हैं कि कौन सा शू मोशन कंट्रोल के लिए है, कौन सा शू स्टेबलाइजेशन के लिए है और कौन सा शू जो है वो न्यूट्रल रनिंग के लिए बेस्ट कंसिडर किया जा सकेगा या किया जा सकता है। मोशन कंट्रोल के अंदर जैसा कि नाम से वाजे है कि मोशन कंट्रोल जो है वो आपकी मोशन को डिक्टेट करेगा। अगर आपका पांव सुपिनेटर है या प्रोनेटर है, प्रोनेटर कहते हैं कि अगर आप टेंड्स टूवर्ड इनसाइड है, आपका पांव चलते वक्त अंदर की तरफ मूव करता है तो इट मींस आप प्रोनेटर है, अगर बाहर की तरफ मूव करता है तो इट मींस आप सुपिनेटर है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको एक ऐसा शू दरकार होगा जो आपको मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिक्टेट करती है आपके फुटवेयर को, आपके फुट बोन स्ट्रक्चर को, कि आपने कैसे चलना है। एक्सरसाइजेज जो कि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में बताई, उसके अलावा फुटवेयर बहुत अहम रोल प्ले करता है प्रोनेशन को, ओवर प्रोनेशन को कंट्रोल करने से या सुपिनेशन को कंट्रोल करने से। मोशन कंट्रोल की सबसे पहले मिसाल देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इस वक्त जोमा का आर्टिकल मौजूद है, ये रनिंग कैटेगरी में आता है। पहले आप इसको देख लीजिए, दैट्स द शू वी आर टॉकिंग अबाउट। ये स्पेन का ब्रांड है और अब हम इसकी जजमेंट ये करेंगे कि ये कैसे मोशन कंट्रोल है या स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर या ये न्यूट्रल है। सबसे पहले जो चीज आपने फैक्टर देखना है वो ये है कि हील
एरिया आपने प्रेस करना है किसी भी शू का, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं प्रेस कर रहा हूं, अगर ये स्टिफ है तो ये एक मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी की इंडिकेटर है। अगर दूसरा सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है शू की, शू की फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हैं कि काफी रिजिड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, रिजिड बिहेव कर रही है और सिर्फ अगले पार्ट से हल्का हल्का सा मूव कर रहा है। थर्ड इंडिकेटर जो कि मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी वाले शू के ऊपर हो सकता है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। आप इस तरीके से देखेंगे, ये बड़ा स्लाइट सा फ्लेक्स हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो मिड सोल है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि इसने आपको डिक्टेट करना है आपकी जो चाल है, आपका जो रनिंग स्टाइल है, आपका जो वॉकिंग स्टाइल है, उसने आप इस जूते ने आपको डिक्टेट करके ठीक करना है, उसको रिस्ट्रेन करना है ओवर प्रोनेशन को या सुपिनेशन को। लास्ट जो फैक्टर आप जिससे जज करेंगे, आप जूते को यहां से पकड़ेंगे और हील एरिया से पकड़ेंगे। मेरी पोजीशंस को देख लीजिएगा, 4 फुट से और हील वाले एरिया से आपने इसको मोड़ने की कोशिश करनी है, आप इसको फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि जूता फ्लेक्स नहीं हो रहा। इट मीन्स के जो आर्च वाली साइड है वो सपोर्टिव है, वो डेंस है, वो इस मकसद के लिए बनाई गई है कि आपका जो आर्च है जो उसको सपोर्ट किया जा सके फ्लैटेंड फीट के केस में या ओवर प्रोनेशन के केस में। ये 4 इंडिकेटर्स इसको मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी वाला जूता साबित करते हैं। एक ये जूता है, इसको उठा लें। सेकंड ही जोमा का मेरे पास एक और आर्टिकल मौजूद है, ये भी रनिंग कैटेगरी में आता है और पहले आप ये जूता देख लें। हम इसको भी टेस्ट करते हैं और चारों इंडिकेटर्स इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक की फ्रंट वाली साइड से, जो कि ये ज्यादा फ्लेक्स हो रहा है। उसके बाद हम इसका हील एरिया देखते हैं, काफी स्टिफ है। यहां पर अंदर प्लेट्स मौजूद हैं जो कि आपको हील को सपोर्ट करती हैं, मतलब आपके एंगल ऑफ हील को जब उसने फर्स्ट स्ट्राइक करना है ग्राउंड पर, तो वो उसकी मोशन को कंट्रोल करेगा यहां से, ताकि आपका पांव साइड पे इंक्लाइन ना हो जाए, आपका जूता ऐसे की तरफ ना गिर जाए, इस साइड पे अंदर की तरफ ना गिरे, क्योंकि ये ओवर प्रोनेशन को एड्रेस कर रहा है। थर्ड इंडिकेटर इसका, यहां से और यहां से पकड़ के हम इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे, नहीं, ये भी यहां से फ्लेक्स नहीं हो रहा। इट मींस कि ये वाला आर्टिकल मोशन कंट्रोल या स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं फॉल करता है। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल शू। अभी मैं मिसालों के साथ आपको वाजे करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, खुद ही आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो शू है वो स्टेबलाइज है या कौन सा शू जो है वो मोशन कंट्रोल है या कौन सा शू जो है वो न्यूट्रल है। तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये ऑलरेडी जो जोमा का आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये मोशन कंट्रोल और स्टेबलाइज्ड इन दोनों के अंदर फॉल करता है। इसकी जो फ्लेक्स है मुझे वो यहाँ पर जरा ज्यादा फील हो रही है, इसकी वजह ये है। इसकी जो हील एरिया है, हील सपोर्ट है, वो थोड़ा सा स्टिफ है, जिसकी वजह से ये एंकल को ग्रिप करके रखेगा और एंकल को अनवांटेड पोजीशंस पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करते हुए फॉल करने से प्रिवेंट करेगा। और इसका हमने फ्लेक्स एरिया देख लिया, अब इसको जरा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो इसका फोर्थ इंडिकेटर है। ये ट्विस्ट ज्यादा नहीं हो रहा, काफी हार्ड है ट्विस्ट करते हुए, लेकिन इसके जो अंदर कुशन है वो काफी डेंस है और सॉफ्ट है। तो ये वाला आर्टिकल भी जो है वो मोशन कंट्रोल और स्टेबलाइजेशन को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, ये वाला उठा ले। अब हमारे पास आता है, सामने मेरे सॉकनी पड़ा हुआ है, पहले आप इसको देख लीजिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सॉकनी की जो बेल्ट है
अगर मैं इसके बैक साइड पे हाथ लगाता हूँ, सबसे पहले इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, जो टेस्ट है हमारा, जो हमने पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, हील एरिया को कर रहा हूं, ये देखें ये सॉफ्टली प्रेस हो रहा है, पहला इंडिकेटर मोशन कंट्रोल के लिए, मतलब ये मोशन कंट्रोल के लिए नहीं बना। सेकंड, इसका हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी टर्निंग पॉइंट है वो देखना है, ये काफी ज्यादा फ्लेक्स हो गया, जो कि बहुत इजी है इसको फ्लेक्स करना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टावल की तरह इसको निचोड़ दिया, दूसरा इंडिकेटर हो गया। तीसरा इंडिकेटर, हम इसको फ्रंट से और बैक साइड से पकड़ के दरमियान से इसको कोशिश करेंगे बेंड करने की, जो कि आप देख रहे हैं कि ये बेंड हो चुका है। इट मींस कि ये वाला जो आर्टिकल है ये न्यूट्रल है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस आर्टिकल इज अ न्यूट्रल आर्टिकल, कि जिन लोगों की प्रोनेशन नॉर्मल होती है 15 डिग्री पे वो अपने पांव को आगे से उठाते हैं। अच्छा, यहां पर मैं बताता चलूं कि अगर आप 15 डिग्री से आपका कर्विंग पॉइंट अंदर की तरफ ज्यादा है तो इट मींस आप ओवर प्रोनेट कर रहे हैं। अगर आप 15 डिग्री या उससे नीचे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपका जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपकी ऑल अक्रॉस द सोल। और सेकंड, एक और चीज जो फिफ्थ इंडिकेटर आप न्यूट्रल आर्टिकल का निकाल सकते हैं, वो ये है कि इसके जो इसका जो मिड सोल होता है वो कंप्लीट एक ही डाई के अंदर बना होता है, उसके अंदर किसी किस्म के कोई आर्च सपोर्ट या बॉल ऑफ द फुट सपोर्ट या अप्स एंड डाउन्स वाला मामला नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर उन्होंने मिड सोल को एक ही रखा होता है, जो कि फ्रंट से लेकर बैक साइड तक इक्वली जारी होती है। उसके अंदर हाइट एंड ड्रॉप का फर्क होता है, हाइट क्योंकि हील एरिया को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ता है और आगे की तरफ थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है, ताकि रनिंग जो है और वॉकिंग जो है वो फास्ट हो सके। आपने देखा होगा कि जितने रनिंग आर्टिकल्स हैं वो ज्यादातर ऐसा होता है कि उनका 8mm ड्रॉप होता है या 10mm ड्रॉप होता है, मतलब हील एरिया से वो नीचे 4 फुट एरिया तक लोअर डेंसिटी में आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको स्टेबिलिटी इन रनिंग मिलती है और आपको एक स्पीड मिलती है रनिंग करते वक्त, और आपको एक लाइट वेट का एहसास होता है। तो जो न्यूट्रलाइज्ड आर्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स ज़्यादातर बहुत लाइट वेट और बहुत ही सॉफ्ट से आपको फील होते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं प्रोनेशन के लिए। अगर आप ओवर प्रोनेटर हैं और अगर आप एक न्यूट्रल आर्टिकल वेयर कर रहे हैं तो आप अपने साथ थोड़ा सा ज्यादती वाला मामला कर रहे हैं। अगर आप ओवर प्रोनेशन को एड्रेस करने वाला जूता ही खरीदें तो ये होगा कि आपको आपका जो पांव है, आपकी जो चाल है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप अपने अंदर बेहतरी फील करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ओवर प्रोनेट जो मोशन कंट्रोल वाले आर्टिकल्स होते हैं और जो स्टेबलाइज्ड आर्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से ज़रा बल्की लुक में आते हैं और उनको यूज़ करना फर्स्ट माइल में थोड़ा सा मुश्किल फील होता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ बहुत लाइट वेट होगी, जो चीज़ बहुत सॉफ्ट होगी वो चीज़ आउट क्लास होगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट चीज़ें कैटेगरी मैन्युफैक्चर की जाती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम नाइकी को देख लें, एडिडस को देख लें, रीबॉक को देख लें, पूमा को देख लें, न्यू बैलेंस को देख लें, किसी भी चीज़ को, जस्ट नेम एनी ब्रांड, वो बेतहाशा कैटेगरीज मुतारिफ कराती हैं रनिंग के अंदर। वो क्यों होती हैं? वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि हर रनर को एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, एक डिफरेंट उसकी नीड होती है, उसके पाँव की जो उसका जो स्ट्राइकिंग पोजीशन है ग्राउंड पे वो डिफरेंट होता है हर बंदे का नेचुरली। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और डिफरेंट सीरीज मुतारिफ करवाई जाती हैं रनिंग कैटेगरी के अंदर, वॉकिंग कैटेगरी के अंदर, किसी भी गेम कैटेगरी के अंदर, किसी भी एथलेटिक शू की कैटेगरी के अंदर। तो इसीलिए बेताशा आपको कैटेगरीज नजर आएंगी ब्रांड टू ब्रांड, नाम डिफरेंट होंगे लेकिन वो टेक्नोलॉजी इसको यही एड्रेस करेंगे जो आज हमने जनरली आपके साथ डिस्कस की हैं, मोशन कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन या न्यूट्रल। इन दोनों को मेरे पास उठा लें और मुझे ये वाला दिखाएं रिवर्स का। सेकंड, माय वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल्स रिवर्स, ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया का, इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं। खैर, इसका तशहीर करना इस वीडियो में मकसद बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जनरली आपको बता रहा हूँ। बहुत क्लासिकल सा डिज़ाइन है इस आर्टिकल का, पहले आप इसको देख लें। मैंने प्रोनेशन और ओवर प्रोनेशन की जब वीडियो बनाई है, जो कल बनाई थी व्लॉग, उसके अंदर भी मैंने इस आर्टिकल की मिसाल ली थी।
और ये वाला जो कैटेगराइज आर्टिकल है ये ऑर्थोपेडिक एथलेटिक शू है मेडिकेटेड कैटेगरी में। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। पहला इंडिकेटर, इसके हम हील एरिया को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या फील होता है। ये बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं है, ये बहुत खूबसूरत मिसाल देने जा रहा हूं कि स्टेबलाइज्ड आर्टिकल क्या होता है और उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। ये देखिएगा, इसका हील एरिया काफी, मतलब जो हमने जोमा का केस में देखा जो कि मोशन कंट्रोल वाला आर्टिकल था, ये वाला कदरे उससे थोड़ा सा हमें कम स्टिफ फील हो रहा है और कम रिजिड है। ये देख रहे हैं आप। इसके बाद सेकंड इंडिकेशन, हमने इसका फ्लेक्स देखना है, ये आर्टिकल फ्लेक्स हो रहा है। उसकी जो स्टिफनेस थी वो काफी रिजिड था, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो है ना वो फ्लेक्स कर रहा है और अच्छा फ्लेक्स कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। सॉकनी के केस में जो कि न्यूट्रल आर्टिकल है, हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट, बट ये जरा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड इंडिकेटर पे, बैक साइड से पकड़े दोनों को और इसको मोड़ने की कोशिश करें। ये देखें, अभी देख रहे हैं ये काफी ज्यादा बेंड हो रहा है यहां से, जो कि आपका आर्थ सपोर्ट वाला एरिया है, और इसका जो फ्रंट वाला है वो देख लेते हैं, वो ये देख रहे हैं आप, ये चीज मैं आपको इस तरह दिखाता हूं, ये देखिए ये चीज। इट मींस कि दिस आर्टिकल हैज ऑल द सिम्टम्स ऑफ एन आर्टिकल बीइंग स्टेबलाइज्ड। तो मतलब जो लोग प्रोनेशन और ओवर प्रोनेशन के दरमियान में फॉल करते हैं, एक मोस्ट कंफर्टेबल शू चाहते हैं और ऑल डे वेयर के लिए एक आर्टिकल चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक तोहफा है नादिर है। That's reverse, और ये वाला आर्टिकल स्टेबलाइज्ड है, और स्टेबलाइज्ड आर्टिकल को कैरी करना, ऑल डे वेयर करना बहुत आसान होता है। जो ओवर प्रोनेशन के लिए मोशन कंट्रोल वाला आर्टिकल होता है, उसको पहले 5-6 दिन समझना और वेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इवेंचुअली वो आपके पाँव का, आपकी जिस्म का हिस्सा बन जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव, दैट्स डिस्कवरी। अब डिस्कवरी को समझ लेते हैं। ये वाला आर्टिकल जो है वो ट्रेवल निट, इसका जो अपर है वो बनाया गया, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ने क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर किया। इसके भी वही इंडिकेटर्स देख लेते हैं। बैक साइड पे जराब है, बिल्कुल सॉक्स है, आई यू सीइंग दिस। इसके बाद इसकी फ्लेक्स चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक सॉकनी। फिर अब इसके फोर फुट को और बैक फुट को पकड़ लेते हैं और देखते हैं फ्लेक्स होता है कि नहीं होता। इट्स लाइक ए सॉक्स। ये वाला आर्टिकल न्यूट्रल है, और आपकी जो, आप इसे रनिंग भी कर सकते हैं, आप इसे जनरली वॉक भी कर सकते हैं, पूरा दिन भी पहन सकते हैं, मतलब आपका जो दिल करता है आप इसके साथ कर सकते हैं। इसको ओवर प्रोनेटर्स हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो एक ऐसा आर्टिकल ज़रूर बाय करें कि जो उनकी चाल को मेजरली ठीक रखे। ऐसा नहीं है कि ओवर प्रोनेटर जो है वो स्टेबलाइज्ड आर्टिकल नहीं पहन सकता या न्यूट्रल आर्टिकल नहीं पहन सकता। इट इज़ रिकमेंडेड मोस्ट हाईली, क्योंकि ओवर प्रोनेशन जो होती है वो इंडिकेशन बन जाती है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का, क्योंकि वो जो, अगर आप ओवर प्रोनेटर हैं और आप न्यूट्रल शू पहन रहे हैं, और स्टेबलाइज तो खैर काफ़ी कुशन आपको प्रोवाइड कर ही देता है, अगर आप न्यूट्रल शू पहन रहे हैं और आप ओवर प्रोनेटर हैं और आपने कभी आज तक जिंदगी में अपनी ओवर प्रोनेशन मोशन कंट्रोल वाला जूता आपने नहीं पहना, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा हो जाएंगी आगे जाके, क्योंकि वो फिर प्लांटर फेशियाइटिस की बेस बन सकता है, या वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं उसके अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है, बैक पेन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक जूता कम से कम ऐसे ज़रूर लें ओवर प्रोनेटर्स, जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, उनको प्रॉपर कुशन, प्रॉपर आर्च सपोर्ट, प्रॉपर हील सपोर्ट, प्रॉपर हील ग्रिप, प्रॉपर बॉल ऑफ फुट अलाइनमेंट वो प्रोवाइड आपको कर सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो सकता है, आप लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स के लिए काम कर सकते हैं, आप पूरा दिन जूते को इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इसको उठा लें, मेरे पास अब लेके आए एडिडास अल्ट्रा बूस्ट। ये आर्टिकल मैं दिखाना नहीं चाह रहा था इस वीडियो में, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो हाइप्ड होते हैं और अपनी वीडियो की रैंकिंग्स के लिए ऐसे आर्टिकल्स का सामने लेकर आते हैं कि जो बहुत हाइप्ड होते हैं, तो
तो मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन इसको मैं इसीलिए एंड पे दिखा रहा हूँ कि आपके जहन में सवाल पैदा होगा तो वो उसको एड्रेस कर ही लिया जाए। जितने आर्टिकल्स मैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ उतना बेहतर है। एडिडास अल्ट्रा बूस्ट कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पार्ले लिमिटेड एडिशन है, ऑथेंटिक सीरीज हमारे पास मौजूद है। इसके इंडिकेटर पहले देख लेते हैं। बैक साइड पे बहुत स्टिफ नहीं है, नॉर्मल स्टिफ से थोड़ा सा कम है, मतलब एक जो हमने अभी देखा स्टेबलाइज्ड आर्टिकल जो कि रिवर्स का है, रिवर्स भी मेरे पास दोबारा रखना है, उसके साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन और न्यूट्रल के दरमियान में आएगा। ये वाला जो दूसरा पीस निकाल के दिखाओ, ये वाली साइड वो आउटर साइड ऑफ द शू है। अच्छा, इसमें हमने देखा था कि जोमा से जरा कम स्टिफ है, इसकी जो बैक साइड है, इसकी जो बैक साइड है वो रिवर्स से भी जरा कम है, सॉकनी से थोड़ी सी स्टिफ है, और जो मैंने आपको डिस्कवरी दिखाया उससे भी थोड़ी सी स्टिफ है। मतलब ये आपको एडिक्वेट हील सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नॉट पॉइंट टू बी नोटेड डीपली कि ये वाला आपको सॉकनी और जो डिस्कवरी है उससे ज्यादा हील कुछ हील ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद इसका सेकंड टेस्ट करते हैं, इसको फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, 4 फुट हील एरिया, और इसको बेंड करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये दरमियान से बेंड नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि इसका जो बेंडिंग और टर्निंग एरिया है वो यहां पर लाई कर रहा है, यहां पर फॉल कर रहा है। थर्ड इंडिकेटर देख लेते हैं, फ्लेक्स फ्लेक्स कर रहा है। आप ये देख रहे हैं फ्लेक्स कर रहा है। इट मींस कि इसके अंदर जो आर्च वाला एरिया है वहां पर एक खास डेंसिटी मौजूद है, और एडिडास जो है वो टॉर्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से यह बेंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसका जो बेंडिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ फॉल करता है बनिस्बत सॉकनी के। हालांकि ये कंप्लीटली एक डाई के अंदर बना है, लेकिन अगर आप इसके अंदर वाले पैच पर देखेंगे जो कि अंदर वाली साइड पर आ रहा है, यहां पर ये जो एक प्लास्टिक का पैच लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? ये ओवर प्रोनेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आउटर साइड ऑफ द फुट है, ये इनर साइड ऑफ द फुट है। जब आप इसको चलेंगे और आपका पांव अंदर की तरफ आएगा तो ये आपके हील को अंदर की तरफ मुड़ने से काफी हद तक कंट्रोल करेगा। नॉट बीइंग अ मोशन कंट्रोल, नॉट बीइंग अ फुली स्टेबलाइज्ड, इट इज इन बिटवीन न्यूट्रल एंड स्टेबलाइजेशन, जो कि एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है, और एडिडास इसीलिए बहुत ज्यादा नंबर्स भी लेके जाता है बहुत सारी चीजों में। इसको उठा लें और अल्ट्रा बूस्ट 20, मेरा गला अब साथ नहीं इतना दे रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितना आपको एग्जांपल से समझा सकूं ताकि आपको फुटवेयर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। नाउ कमिंग टू द अल्ट्रा बूस्ट 20। अल्ट्रा बूस्ट 20 में आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक ऑथेंटिक सीरीज है, और ये हमने अभी ऑफिशियली अपने कैटलॉग के अंदर नहीं लॉन्च किया, जो कि मैं इंशाल्लाह इसका मैंने फोटोशूट कर लिया है, 2-3 दिनों के अंदर मैं इंशाल्लाह इसको लॉन्च भी कर दूंगा। सेम स्पेक्स हैं, सेम मिड सोल डाई है अल्ट्रा बूस्ट बूस्ट की, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। इसके भी इंडिकेटर्स देख लेते हैं, 4 फुट से पकड़ें, हील से पकड़ें और इसको बेंड करें। सेम बेंडिंग पॉइंट है इसका भी जो कि आप इधर देख रहे हैं, ये भी दरमियान से बेंड नहीं हो रहा। इसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके अंदर टॉर्शन टेक्नोलॉजी है जो कि आपको, उसके बाद इसके अंदर आर्च स्लाइटली रेज्ड अप है जिसकी वजह से यहां पर जो एरिया ऑफ द शू है वो डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर वो बेंड नहीं हो रहा। और इसकी एंकल वाली साइड को देख लेते हैं, ये स्टेबलाइज्ड और न्यूट्रल के अंदर फॉल करती है, जैसे कि हमने अल्ट्रा बूस्ट पार्ले के अंदर देखा। इट्स नॉट वेरी मच स्टिफ, इट्स नॉट सॉफ्ट, इट लाइज इन बिटवीन वेरी स्टिफ एंड समथिंग लाइक सॉफ्ट, उसके दरमियान में ये कहीं फॉल करता है। तो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं इसलिए बहुत हाइप्ड रहते हैं क्योंकि ये ओवर प्रोनेशन, प्रोनेशन के जो और रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर देते हैं, सॉफ्ट रहते हुए आपको ओवर प्रोनेशन से बचाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके इस वीडियो में कोई मजीद क्वेश्चन रह गया है जो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आंसर कर सकूं, डू लेट मी नो, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और इवन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स,
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उज़ैर इब्रार साइनिंग ऑफ।